भोपाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक के बाद एक विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। हाल ही में बता दें कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया था, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि इस बयान के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने माफी मांग ली है। जी हां, आपको बता दें कि रात 1 बजे के करीब उन्होंने ट्वीट किया था, जहां पर वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं और वो ट्वीट कुछ ऐसा है। मैं नाथूराम गोडसे के बारे में दिए गए मेरे बयान के लिए देश की जनता से माफी मांगती हूँ। मेरा बयान बिल्कुल गलत था। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करती हूँ। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, मगर इसी बीच यहां पर साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि इनकी ये विवादित टिप्पणी करने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसे लेकर बीजेपी के लिए भी वो मुश्किलों को बढ़ाती देखी जा रही है। जी हाँ, यहाँ पर बीजेपी ने उनके इस बयान से अपने कदम भी पीछे कर लिए, मगर यहाँ पर कहीं ना कहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हैं। जब बीजेपी से उन्हें झटका लगा तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब माफी मांगती हुई देखी जा रही है। SPN9 न्यूज से नैन्सी की रिपोर्ट।